देश टीवी की सुर्खियों में देखते हैं आज के देश विदेश की चर्चित खबरें। 16 नवंबर की सुर्खियों में पहले स्थान में है, अपनी प्रॉपर्टी करानी पड़ सकती है आधार से लिंक। रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी बाजार में खरीद फरोख्त को लेकर होने वाले फर्जीवाड़े और बेनामी संपत्ति से निपटने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक सरकार प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। इसके तहत अपनी फिक्स्ड एसेट्स के मालिकाना हक के लिए उसको आधार से लिंक कराना जरूरी होगा। इससे जमीन मकान की खरीदारी में धोखाधड़ी रोकने के साथ बेनामी संपत्ति का भी खुलासा होगा। आज की सुर्खियों में दूसरे स्थान पर हैं, सबको साथ मिलेगी सैलरी। आने वाले दिनों में नौकरी पेशा लोगों को सैलरी मिलने का सिस्टम बदल सकता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वन नेशन वन पेडे लागू करने के बारे में विचार कर रही है। अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि इस बाबत कानून जल्द से जल्द तैयार होकर पास हो जाए। दरअसल श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने वन नेशन वन पेडे सिस्टम को लेकर जानकारी दी है। संतोष गंगवार ने कहा, पूरे देश में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए जिसके तहत हर सेक्टर में सभी वर्ग के कर्मचारियों और मजदूरों को एक दिन सैलरी मिले। आज की सुर्खियों में तीसरे स्थान पर हैं, जल्द ही दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू होगी प्राइवेट जेट टर्मिनल सुविधा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत जल्दी प्राइवेट जेट के लिए एक टर्मिनल बनकर तैयार हो जाएगा। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। जीएमआर ग्रुप के दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को इसे जनवरी 2020 तक तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि DIEL एक कंसोर्टियम है जो कि GMR ग्रुप और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लीड किया जा रहा है। IGIA को ही इसे ऑपरेट करने और मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई है। आज के सुर्खियों में चौथे स्थान पर हैं, टेलीकॉम संकट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार दूर संचार क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने की इच्छा रखती है। इस क्षेत्र में समायोजित सकल आय पर उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय के बाद कंपनियों पर पुराने सांविधिक बकाए के भुगतान का दबाव पैदा हो गया है। सीतारमण ने कहा, हम नहीं चाहते कोई कंपनी अपना परिचालन बंद करे। हम चाहते हैं कि कोई भी कंपनी हो वह आगे बढ़े। उन्होंने कहा, सिर्फ दूर संचार क्षेत्र ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में सभी कंपनियां कारोबार करने में सक्षम हो। आज की सुर्खियों में पांचवें स्थान पर हैं, गांधी परिवार को लग सकता है बड़ा झटका। गांधी परिवार को आयकर विभाग की तरफ से बड़ा झटका लग सकता है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के टैक्स की फाइल खुल सकती है। दरअसल यंग इंडियन को नॉन प्रॉफिट संस्था बताने के गांधी परिवार के दावे को टैक्स ट्राइब्यूनल ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने यंग इंडियन को लोन दिया था, अब कांग्रेस को इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट खत्म हो सकती है क्योंकि कंपनियों की मदद कर नियमों का उल्लंघन किया है। आज की सुर्खियों में छठवें स्थान पर हैं, शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिवसेना ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है और विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। शिवसेना ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य में नए समीकरण बनता देख कई लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। ऐसे श्राप भी दिए जा रहे हैं कि अगर सरकार बन गई तो कैसे और कितने दिन टिकेगी, देखते हैं। कहा जा रहा है कि सरकार 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिकेगी। हम महाराष्ट्र के मालिक हैं और देश के बाप हैं। अगर ऐसा किसी को लगता है तो वह इस मानसिकता से बाहर आ जाए। ये मानसिक अवस्था 105 वालों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। आज की सुर्खियों में सातवें स्थान पर हैं, नौसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 के गोवा में हादसे का शिकार। गोवा में नौसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 के हादसे का शिकार हो गया जब यह विमान गोवा के डाबोलिम के INS हंसा में अपने ट्रेनिंग मिशन पर समुद्र के ऊपर फ्लाई कर रहा था तो इससे पक्षी टकरा गया और इंजन में आग लग गई। आग लगने के बाद पायलट कैप्टन MCO खड्ड और लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक यादव सुरक्षित इजेक्ट कर गए। विमान खुली जगह में गिरा है और जान माल का कोई नुकसान होने की खबर नहीं है।
नौसेना ने हादसे की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया है। आज की सुर्खियों में आठवें स्थान पर हैं, सीआरपीएफ जवान ने अवैध संबंध के चलते महिला को मारी गोली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध संबंधों के चलते महिला की हत्या करने वाले सीआरपीएफ के जवान को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। घटना एक साल पहले 29 जुलाई 2018 में मोवा इलाके में हुई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी पंकज सिंह ने अपने मकान मालकिन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या की वजह महिला के साथ अवैध संबंध बताया जा रहा है। इस अवैध संबंध के चलते पंकज सिंह के शादीशुदा जिंदगी में कलह हो रहा था, जिसके कारण आरोपी ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज की सुर्खियों में नौवें स्थान पर हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा सुतारिया की मरजावा ने पहले दिन कमाए करोड़ों। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा सुतारिया की फिल्म मरजावा शुक्रवार को रिलीज हुई है। समीक्षकों की ओर से इस फिल्म को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, वहीं लोगों की ओर से इसे औसत प्रतिक्रिया मिल रही है। इस फिल्म की पहले दिन की कमाई भी सामने आ गई। फिल्म मरजावा का शुक्रवार को ओपनिंग कलेक्शन 7,03,00,000 रुपये रहा। फिल्म मरजावा में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा सुतारिया के अलावा रितेश देशमुख और रकुल प्रीत सिंह भी हैं। इसका निर्देशन मिलाप जावेदी ने किया है, वहीं संगीत हनी सिंह, तनिष्क बागची, मीत ब्रदर्स ने दिया है। आज की सुर्खियों में दसवें स्थान पर हैं, तीसरे ही दिन बांग्लादेश ने टेके घुटने। भारत ने बांग्लादेश को इंदौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पारी और 130 रनों से मात देकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। शनिवार को इंदौर टेस्ट के तीसरे दिन ही भारत ने बांग्लादेश को रौंद दिया। सीरीज का एक मैच खेला जाना बाकी है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 22 नवंबर से दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। यह टेस्ट मैच डे नाइट फॉर्मेट में खेला जाएगा। भारत की धरती पर यह ऐतिहासिक टेस्ट मैच दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। भारत के लिए इस मैच में मोहम्मद शमी ने 7, रविचंद्रन अश्विन ने 5, उमेश यादव ने 4 और ईशांत शर्मा ने 3 विकेट लिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मीडिया अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।